हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत की वंदना। वंदना क्या होती है? वंदना यानी कि प्रेयर। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले अपने गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम सफल हो। ठीक है, तो आज हम जब संस्कृत अपना जो नया लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, उस लैंग्वेज में सबसे पहले हम करेंगे वंदना यानी कि भगवान की प्रार्थना। यहाँ पर हमें 3 श्लोक सीखने हैं। संस्कृत में जो स्टैंजा होते हैं, जो भी हम लोग गुजराती में उसको गीत बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको पोएम बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में जो स्टैंजा होते हैं उसको बोला जाता है कि श्लोक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले श्लोक सीखेंगे और उस श्लोक को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसका जो मीनिंग होगा वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना पहला श्लोक शुरू करते हैं। पहला श्लोक जो होता है, हम लोग हमेशा सबसे पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं। गुरु यानी कि टीचर, जो हमें सिखाते हैं, हमें जो पढ़ना सिखाते हैं, सबसे पहले अक्षर जिन्होंने हमें सिखाया वो हमारे गुरु यानी कि हमारे टीचर। हम लोग सबसे पहली प्रार्थना उनसे शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा संस्कृत का श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत का ये श्लोक सबसे पहला मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। उसका मतलब ये है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु मेरे टीचर, मेरे ब्रह्मा यानी कि जिन्होंने सृष्टि बनाई वो मेरे ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, गुरु जो है मेरे टीचर, वो मेरे लिए विष्णु भगवान के समान है। गुरु देवो महेश्वरा, गुरुदेव जो मेरे हैं वो मेरे हमारे जो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, उनके समान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, दुनिया की सारी जो है हमारी सृष्टि उससे ऊपर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा पूरा श्लोक, हम लोग इसको फिर से रिसाइट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा माना जाता है कि गणपति जो है वो हमारे सारे कार्यों को सफल करते हैं। हम अगर कोई कार्य शुरू करें उससे पहले अगर हम गणपति जी को प्रार्थना करें तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। हम लोग अपनी नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं संस्कृत, तो उसमें हम सबसे पहले गणपति जी को प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो ये जो हम नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उनमें आप हमारी हेल्प कीजिए। राइट, हमारा ये पहला श्लोक गणपति जी के लिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी कि वक्रतुंड, जिनका जो तुंड यानी कि मस्तक है वो थोड़ा सा वक्र यानी कि कर्व्ड है, महाकाय जिनका शरीर बहुत ही विशाल है, सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य यानी कि भगवान सूर्य, कोटि यानी कि हजारों, समप्रभा यानी कि हजारों सूर्यों के समान जिनका शरीर है, ऐसे गणपति जी निर्विघ्नम कुरु मे देव। निर्विघ्नम यानी कि कोई भी विघ्न के बगैर मेरा काम आप सफल कीजिए। सर्व कार्येषु सर्वदा, मेरे सारे जो कार्य हैं वो आप किसी भी विघ्न यानी कि ट्रबल के बगैर आप उसको मुझे कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। राइट, ये हमारा संस्कृत का दूसरा श्लोक हम लोग जो सीख रहे हैं, एक बार फिर से इसको मेरे साथ रिसाइट करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। हमने अपने गुरुदेव की प्रार्थना की, हमने गणपति जी की प्रार्थना की। जैसे कि आप लोग जानते हो, विद्या की देवी किसे माना जाता है? यस, सरस्वती जी को। सरस्वती यानी कि देवी शारदा, हम लोग अपने प्रार्थना में भी उनका बार बार उल्लेख करते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग विद्या की देवी जो हैं सरस्वती, उनकी प्रार्थना करेंगे। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी यानी कि माता सरस्वती, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा यानी कि सरस्वती माता के हाथ में जो हमेशा रहती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, पुस्तक धारिणी, पुस्तक यानी कि बुक उनके हाथों में हमेशा रहती है, ऐसी जो देवी सरस्वती है वीणा पुस्तक धारिणी यानी कि देवी सरस्वती, विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। विद्यारंभम यानी कि मैं अपनी स्टडी का स्टार्टिंग करने जा रही हूँ, करिष्यामि यानी कि कर रही हूँ,
प्रसन्ना भव सर्वदा, आप मेरे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहिए और आप मेरे कार्यों में मेरी हेल्प कीजिए, राइट। तो ये थे हमारे संस्कृत के तीनों श्लोक। आप लोगों को ये श्लोक एक बार रिसाइट करने हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक ग्लोसरी, यानी कि जो संस्कृत के वर्ड हमने सीखे उसका मीनिंग, राइट। तो सबसे पहला वर्ड हमने सीखा वक्रतुंड, यानी कि कर्व्ड ट्रंक। ट्रंक यानी कि सूंड जो होती है, जिनकी कर्व्ड यानी कि थोड़ी सी वक्र है, ऐसे गणपति जी। सूर्य कोटि क्रोर ऑफ सूर्य, हजारों सूर्यों के समान जिनका तेज है, करोड़ों सूर्यों के समान, कोटि यानी कि करोड़, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज है, ऐसे गणपति जी। समप्रभा यानी कि इक्वल स्प्लेंडर, इक्वल स्पेंडुलर का मतलब होता है उनके जैसा। कुरु, यहाँ पर हम लोग उसका मीनिंग लेंगे रिमूव, अदरवाइज इसका मीनिंग होता है डू। भव यानी कि बी, सर्वदा फॉर एवर। शारदा यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हो देवी सरस्वती, राइट। सो ये सारे जो वर्ड है संस्कृत के हम लोगों को अपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी सीखने हैं। फिर से इसको एक बार रिसाइट करें, वक्रतुंड कर्व्ड ट्रंक, सूर्य कोटि क्रोर ऑफ सन्स, समप्रभा इक्वल स्पेंडुलर, कुरु रिमूव, भव बी, सर्वदा फॉर एवर, शारदा यानी कि देवी सरस्वती। सो ये हमारे एक ग्लोसरी के वर्ड, इसको आप एक बार रिपीट कीजिए और अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कीजिए, और ये सारे श्लोक जो मैंने आपको सिखाए उसको अच्छे से रिसाइट करके आप मुझे भेजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चा।